जोहार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार। आप आप सब सब कैसे कैसे हैं? हैं? आशा करते कहते हैं हैं कि कि आप आप सब सब अच्छे अच्छे ही ही होंगे होंगे, मजे से होंगे। होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग खाने में क्या रखे हैं? इस छोटी सी वीडियो में आप लोग के फिर से स्वागत है दोस्तों। देखिए अभी खाना में क्या खाएंगे हम लोग। तो दोस्तों खाना दिखाएं आप लोग को पहले, उसके बाद खाना खाते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी सब्जी बना है आज, ये कैता कायता और और करिल का करिल जो मांस से बनता है है ना, जो उसी को उससे। मिला के बनाया हुआ है। तो ये हम लोग का कायता और करिल का वेजिटेबल हो गया दोस्तों। और ये भात रखे हैं, इधर कटोरी में दाल रखे हैं दोस्तों। दाल को भी दिखा देते हैं, उसको थोड़ा उधर साइड करो। तो दाल दिखाते हैं, कटोरी में लिए हैं, ये दाल है देखिए दोस्तों। और ये प्याज रखे हैं, प्याज नहीं खाते हैं तो मन नहीं लगता है दोस्तों हम लोग को खाना, और ये हजम खाना नहीं है होता है जैसे दोस्तों। लगता है। आज थोड़ा थोड़ा ही खाना खा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि तभी इडली बहुत बहुत सारा ज्यादा खा खा दिए लिए हैं, थे, तो अभी खाना खाने का मन इडली नहीं है। बहुत टेस्टी था इसलिए अभी पूरा पेट फूल करके खा लिए थे दोस्तों। तो अभी खाने का तो मन नहीं नहीं है, कहा फिर भी हम लोग बोले थे ना कि लंच में आएंगे बोल के, इसलिए हम लोग थोड़ा भी खा लेते हैं। और इसी बहाने हम लोग को दोस्त लोग के साथ में बात बात करने का करने का मौका भी मौका। मिलेगा, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा ही खाना खाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, दीदी परोसेगी दाल और वही वेजिटेबल और खाएंगे थोड़ा थोड़ा। दो तो दोस्तों सर्व करें। मुझे तो ज़्यादा मत देना, एकदम थोड़ा ही देना। बस 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 हो गया, जितना खाऊंगी उतना ही मांगूंगी दोस्तों, काहे के लिए खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे देश में इतना आदमी है कि एक एक दिन वो लोग भूखे ही सो जाते हैं, अब खाना को वेस्ट नहीं करना नहीं करना है चाहिए। दोस्तों। अगर हम लोग नहीं खा के उसको वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा तो हम लोग किसी को एक रोज़ खिला देंगे तो उसमें हम लोग का अच्छा रहेगा दोस्तों। तो अभी हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दीदी तो हमेशा आप लोग को इनवाइट करती है। इडली वाला बहुत व्यूस आ रहा है दोस्तों। अभी कितना हुआ? अभी तो मालूम नहीं, हाँ सबसे ज्यादा व्यूस उसी में आ रहा है दोस्तों। लगता है कि वो वायरल होने वाला है, ऐसे लग रहा है। हम लोग न्यू हैं, हम लोग को उतना मालूम नहीं है कि वायरल कैसे होता होता है है क्या, होता लेकिन है। हम लोग को इसे दिल बोल रहा है कि वो वायरल होने वाला है। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर वायरल हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग आप लोग वीडियो हम लोग का देखिए वीडियो को देखिए, और उसको हमारे छूट चैनल को जाता है, सब्सक्राइब भी कीजिए, लेकिन बसंती भिंगरा बनाते ब्लॉग है। बनाते 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 अच्छा तरीका से बना के सब चीज मेंटेनिंग करके दिखाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी तो नए हैं और जैसे कि हम लोग कुछ उसको भी रखे भी नहीं चावल है। दालो सबको सिलबट्टा में दीदी पीसी बनाई, उसका सूट की नहीं और डायरेक्ट खाना का दिखा दी। तो सॉरी दोस्तों, बीच बीच में छूट जा रहा है। हम लोग अभी नए हैं चैनल पर, इसलिए थोड़ा कौन सा करने से ठीक रहेगा कैसे करने से वो मालूम नहीं, पर करते करते धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग का सपोर्ट बना हुआ रहेगा तो दोस्तों हम लोग का अच्छा ही होगा। तो अभी खाने के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, खाते खाते फिर बात करेंगे। लीजिए दोस्तों, आज तो हम भी दे देते हैं। देखिए दोस्तों लीजिए, दीदी डेली देती है, हम दे रहे हैं, ये वीडियो वायरल होना चाहिए। आज फर्स्ट हम दे रहे हैं। सच में दोस्तों सब्जी टेस्टी है दोस्तों, सच में वाकई सब्जी बहुत टेस्टी है। सब्जी टेस्टी है दोस्तों, मैं तो मन खाने का एक भी नहीं था, सब्जी टेस्ट है इसलिए जितना खाना है सब खत्म करूंगी।
दोस्तों अगर किसी को पता है जो कितना एक दिन में कितना व्यूज आने से या फिर टोटल कितना व्यूज आने से वीडियो वायरल होता है उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम लोग को मालूम नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल का नाम क्या है दीदी? बसंती भेंगरा ब्लॉग। दोस्तों खाना ख़त्म होने वाला है, बहुत मुश्किल लग रहा है खाने के लिए, टेस्टी के वजह से हम लोग खा रहे हैं। कारिल डाला हुआ है इसलिए खा पा रहे हैं। खट्टा खट्टा थोड़ा लग रहा है, अच्छा है ना? नहीं तो नहीं खिलाता खाना भी। दोस्तों हम लोग तो मायके भी नहीं जा पाए, इधर बहुत बारिश हो रही है, मन तो पूरा उदास है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का एक ही भैया है, चार बहन है हम लोग, दो बहन हमेशा बांधते हैं, हम दोनों तो बांधते ही नहीं हैं, तीन चार साल से बांध ही नहीं रहे भैया को। जाएंगे सोचे थे लेकिन इतना बारिश है इधर कि जा ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों फाइनली मैं ख़त्म कर दी हूँ दोस्तों खाना, देखिए पूरा फिनिश की हूँ। कायता और क्या बांस का करेल सब्जी बहुत टेस्टी लगा दोस्तों, उसी के वजह से ख़त्म किए हैं खाना, नहीं तो कुछ छोड़ना पड़ता। तो आज के वीडियो में इतना है कि और कुछ बोलना है दीदी? और क्या बोल रहे दोस्तों, मन तो थोड़ा दुखी है हम लोग का, मायके नहीं जा पाए, बच्चे लोग भी सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे मामा घर, तो जा तो नहीं पाए दोस्तों, बच्चे लोग का भी मन उदास हो गया ये बारिश के चलते, और विशेष करके सिस्टर की छोटी लड़की है और लंबा रास्ता है। टेक थैंक यू, वेलकम। इसी वजह से जा नहीं पाए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, सब कोई हम लोग मिल के एंजॉय करेंगे, आएंगे फिर से आपके लोग के पास। तो एंड में यही बोलेंगे दोस्तों, अगर हम लोग का चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल का नाम है बसंती भेंगरा ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब फॉलो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यही हम लोग का आप लोग से रिक्वेस्ट है, उम्मीद है आप लोग जरूर करेंगे दोस्तों। हम लोग का दोस्त लोग इतना अच्छे हैं कि हम लोग को पता चल जा रहा है कितने अच्छे हैं, सो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग यूट्यूब पर कामयाब हो ही जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही बोलकर आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय दोस्तों, बाय।